हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, हिंदी में अपवाह तंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम। बच्चों, ड्रेन का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि निकासी। किसी भी चीज की निकासी, चाहे वो पानी का हो या किसी भी रेफरेंस में देखा जाए, ज्योग्राफिकल टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम ड्रेन को यहाँ पर ऐसे एग्जिट निकासी के रूप में देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ड्रेनेज सिस्टम के, तो बच्चों ये नोएडा शहर है। मान लेते हैं नोएडा शहर में काफी ज्यादा रेनफॉल या काफी हैवी रेनफॉल हुआ। अगर हैवी रेनफॉल हुआ तो नोएडा में जगह जगह सड़कों पे आपने पानी देखा होगा। अगर इस नोएडा शहर में जो रेनफॉल हुआ, अगर रेनफॉल का पानी अगर इस गंगा नदी तक आ जाए, तो ये नोएडा शहर गंगा नदी का ड्रेनेज एरिया होगा। मतलब एक मेन रिवर, जिस भी एरिया से रेनफॉल के पानी को कलेक्ट कर रहा हो, वो एरिया उस रिवर का ड्रेनेज एरिया होता है। जबकि वो पानी अपने ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से मेन रिवर में पहुंच जाए, तो उस नदी को उस सिस्टम का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। बच्चों, यहां पे मेन रिवर गंगा है। गंगा नदी अपने ट्रिब्यूटरीज यमुना एंड सब ट्रिब्यूटरीज हिंडन के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, उस सिस्टम को गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, आपने कोटा शहर का नाम सुना होगा। कोटा शहर में अगर रेनफॉल हुआ और कोटा शहर का पानी अगर गंगा नदी तक आ जाए, तो कोटा शहर गंगा नदी का ड्रेनेज एरिया होगा। कोटा शहर का रेनफॉल का पानी पहले चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का पानी गंगा में, तो जिस सिस्टम से पानी गंगा तक पहुंचा, उस सिस्टम को ही गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर। मतलब उत्पत्ति के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज हिमालय नदियां, ससत में प्रायद्वीपीय नदियां। अगर हम हिमालय रिवर्स की बात करें, ध्यान रखिएगा, हिमालय रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट इज इंडस ड्रेनेज सिस्टम। सेकेंड इज गंगा ड्रेनेज सिस्टम। एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम यहां पर हिमालय रिवर्स की बात करें, तो हिमालय नदियों को तीन ड्रेनेज सिस्टम में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज इंडस ड्रेनेज सिस्टम, मतलब सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा ड्रेनेज सिस्टम यानी गंगा अपवाह तंत्र, एंड ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। अगर हम यहां पर इंडस ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो इंडस ऑरिजिनेट फ्रॉम द बोखरचू ग्लेशियर। इंडस ऑरिजिनेट फ्रॉम द बोखरचू ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। मतलब सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। निकलने के बाद जम्मू कश्मीर,
पाकिस्तान होते हुए अरब सी में जाकर गिरती है। कहां पर? अरेबियन सी में, यानी बच्चों अरब सागर में जाकर गिरती है। मतलब सिंधु नदी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान होते हुए अरब सी में जाकर गिरती है। निकलती कहां से है? बोखरचू ग्लेशियर से, नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। चूंकि तिब्बत चाइना का पार्ट है, इसलिए इसको कहा गया कि यह अकेली नदी है जो इस तरफ पश्चिम की तरफ तीन देशों से निकलकर बहती है, पहला चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अगर इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज, फर्स्ट इज सतलुज रिवर, सेकेंड ब्यास, सतलुज ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है उस सिस्टम को इंडस नदी का ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। मींस दैट इंडस रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है उस सिस्टम को इंडस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। बच्चों इधर से नदी आए गिलगेट, सिगार एक्सेट्रा। मीन्स दैट इंडस रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, गिलगेट, सिगार के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है उस सिस्टम को इंडस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से गंगा ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम गंगा की बात करें तो रिवर गंगा इज इन फैक्ट द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, भागीरथी एंड अलकनंदा विच मीट्स नियर देवप्रयाग एंड आफ्टर द देवप्रयाग इट इज कॉल्ड गंगा। मतलब गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा है। दोनों नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद इसे गंगा कहा जाता है। जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा। मतलब बच्चों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहां भागीरथी ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड अलकनंदा ओरिजिनेट फ्रॉम द सत्तोपथ ग्लेशियर। मतलब भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जबकि अलकनंदा सत्तोपथ ग्लेशियर से निकलती है। निकलने के बाद देवप्रयाग में मिलते हैं और इसके बाद ही इसे गंगा कहा जाता है। जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, पीछे से आए यमुना, इधर से आए सोन, ये आगे नदी कौन सी? पुनपुन के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फंक्शन करते हैं उसे गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। आई अगेन, रिवर गंगा इज इन फैक्ट द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा विच मीट्स नियर देवप्रयाग एंड आफ्टर द देवप्रयाग इट इज कॉल्ड गंगा एंड गंगा इज ऑल्सो नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश। इन हिंदी गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा है।
दोनों नदियां देव प्रयाग में मिलती हैं। मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रहे भागीरथी गंगोत्री से जो उत्तराखंड में है, अलकनंदा सप्तोपद ग्लेशियर से जो उत्तराखंड में है, दोनों मिलते हैं भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में, और ये देवप्रयाग भी उत्तराखंड में है, और देवप्रयाग के बाद ही इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि गंगा की ट्रिब्यूटरीज है शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, पुनपुन। ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें, रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम द चेमा यमुडोंग ग्लेशियर, चेमा यमुडोंग ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। याद रहे इस चेमा यमुडोंग को आंगसे ग्लेशियर भी कहा जाता है, आंगसे ग्लेशियर। एंड अगेन बच्चों, ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम द चेमा यमुडोंग ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। इन तिब्बत इट इज ऑल्सो नोन एज सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से सांगपो इज ऑल्सो नोन एज देहांग इन अरुणाचल प्रदेश, यानी यही सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जानी जाती है। देहांग इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र इन असम, ब्रह्मपुत्र इन असम। यानी बच्चों, इसी देहांग नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज जमुना, जमुना इन बांग्लादेश। मतलब इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जब जमुना और पद्मा मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है, और यही मेघना नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कहां पर? बे ऑफ बंगाल। आई रिपीट अगेन, कहते ध्यान सुने, ब्रह्मपुत्र नदी चेमा यमुडोंग ग्लेशियर से निकलती है जो मानसरोवर झील के निकट है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, इसी दिहांग नदी को असम में ब्रह्मपुत्र, यही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जबकि आपकी जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है, और यही मेघना नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी अपने ट्रिब्यूटरीज, दिबांग, लोहित, बराक, मानस, तिस्ता, धनसरी एक्सेट्रा रिवर के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फंक्शन करती है उसे ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। आई अगेन, ब्रह्मपुत्र नदी अपने ट्रिब्यूटरीज दिबांग, लोहित, बराक, मानस, तिस्ता, धनसरी के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फंक्शन करती है उसे ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। बच्चों, जिस तरह से हमने हिमालयन रिवर्स को तीन मेन ड्रेनेज सिस्टम में बांटा था, फर्स्ट इज इंडस ड्रेनेज, सिस्टम, सेकेंड इज गंगा ड्रेनेज सिस्टम, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, उसी तरह से पेनिनसुला रिवर को भी कई भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। अगर नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, रिवर नर्मदा ऑरिजिनेट फ्रॉम द
नर्मदा ऑरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक. अमरकंटक मतलब नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है. याद रहे भारत में दो नदियां ऐसी हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं. पहली नर्मदा, दूसरी सोन. सोन नदी निकलने इसके बाद गंगा में मिल जाती है और नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है. बच्चों नर्मदा रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है उस सिस्टम को नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है. इसके ट्रिब्यूटरीज में याद रहे शेर हिरन तवा शक्कर शेर हिरन तवा शक्कर आंचल माचक कुड़े एटसेट्रा रिवर को रखा जा सकता है. अगेन नर्मदा ऑरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक इन मध्य प्रदेश एंड ट्रिब्यूटरीज आर शेर हिरन तवा शक्कर आंचल माचक कुड़े के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उसे नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. याद रहे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है जो गुजरात राज्य में स्थित है. आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है, आंसर इस अमरकंटक से. कहेगा अमरकंटक किस राज्य में है, आंसर इस मध्य प्रदेश में. आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी नदी एक ही जगह से निकलती है, आंसर इस नर्मदा एंड सोन. कहां से, अमरकंटक से. इसी तरह से दूसरा सेकंड मेन ड्रेनेज सिस्टम है तापी ड्रेनेज सिस्टम. अगर तापी नदी की बात करें तो बच्चों तापी ऑरिजिनेट फ्रॉम द मुल्ताई. तापी ऑरिजिनेट फ्रॉम द मुल्ताई एट बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. मतलब तापी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है. निकलने के बाद तापी नदी अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है उस सिस्टम को तापी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है. तापी नदी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तापी नदी की ट्रिब्यूटरीज में अरुणावती वालेर वाधर हरके के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उसे तापी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. याद रहे तापी नदी पर उकाई डैम प्रोजेक्ट है जो गुजरात राज्य में स्थित है. और ये भी याद रहे नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो आपका एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पूछेगा ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है. मतलब बच्चों आंसर इज नर्मदा एंड तापी. इसी तरह से अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो बच्चों मेन साउथ इंडिया में या पेनिनसुलर रिवर में तीसरा सबसे मेन ड्रेनेज सिस्टम है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम. गोदावरी की बात करें गोदावरी ऑरिजिनेट फ्रॉम द ट्रिम्बक प्लेटो एट नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. मतलब गोदावरी नदी महाराष्ट्र में ट्रिम्बक प्लेटो से निकलती है जो नासिक में स्थित है. साथ साथ में गोदावरी की बात करें इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथर्न इंडिया. मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है. इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है. मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण की गंगा. बच्चों गोदावरी नदी की बात करें गोदावरी नदी अपने ट्रिब्यूटरीज
एंड सब प्रोटीन्स के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उसे गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अगर इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देने लायक है, इसके ट्रिब्यूटरीज में ध्यान देगी बच्चों नोट करने के लिए, इसके ट्रिब्यूटरीज में मंजरा परवरा पेनगंगा वेनगंगा वेनगंगा इंद्रावती एंड साबरे के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उस सिस्टम को गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। बच्चों इसके ट्रिब्यूटरीज में मंजरा परवरा पेनगंगा वेनगंगा इंद्रावती साबरे। आई रिपीट अगेन, गोदावरी और ड्रेन फ्रॉम द ट्रिम्बक प्लेटो एट नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण की गंगा, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, साथ साथ में इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और सबसे मोस्ट जयकवाड़ी डैम प्रोजेक्ट इसी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। बच्चों गोदावरी नदी अपने ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज मंजरा परवरा पेनगंगा वेनगंगा इंद्रावती और साबरे के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है उसे गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम बात करें कृष्णा ड्रेनेज सिस्टम, अगर कृष्णा ड्रेनेज सिस्टम की बात करें कृष्णा ऑरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर, माफ कीजिएगा स्पेस कम है, महाबलेश्वर कृष्णा ऑरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। क्लियर बच्चों, कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है, निकलने के बाद कृष्णा नदी अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है उसे कृष्णा ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसके ट्रिब्यूटरीज में ध्यान देने लायक है, ध्यान देखें इसके ट्रिब्यूटरीज में घाट प्रभा माल प्रभा घाट प्रभा माल प्रभा तुंगभद्रा घाट प्रभा माल प्रभा तुंगभद्रा भीमा एंड कोयना प्रमुख है। क्लियर, यानी बच्चों कृष्णा नदी के ट्रिब्यूटरीज में घाट प्रभा माल प्रभा तुंगभद्रा भीमा कोयना प्रमुख है, साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट इसी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट तेलंगाना राज्य में स्थित है जो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह से आपका कावेरी ड्रेनेज सिस्टम, अगर कावेरी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो कावेरी ऑरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका, मतलब कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, निकलने के बाद कावेरी नदी अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है उस सिस्टम को कावेरी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। कावेरी नदी अपने ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज, ध्यान देंगे बेटा कावेरी नदी अपने ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज हे रांगे हेमवती अमरावती अलकावती सुवर्णवती
सुवर्णवते लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फंक्शन करते हैं उस सिस्टम को कावेरी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। मतलब एक बार फिर से सुनिए, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक में है। कावेरी नदी अपने ट्रिब्यूटरीज हेरांगे, हेमवती, अमरावती, अर्कावती, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फंक्शन करते हैं उस सिस्टम को कावेरी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? याद रहे इसी कावेरी नदी पर मैटूर डैम प्रोजेक्ट है, मैटूर डैम प्रोजेक्ट है। क्लियर? जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रहे लास्ट जो सबसे मेजर ड्रेनेज सिस्टम में से एक है, लास्ट की बात करें सबसे महत्वपूर्ण, तो बच्चों सबसे लास्ट में ध्यान से देखें महानदी ड्रेनेज सिस्टम, महानदी ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर? महानदी ड्रेनेज सिस्टम, महानदी की बात करें, महानदी फरसिया, 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 फरसिया जगह से निकलती है जो छत्तीसगढ़ के सिहावा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए बच्चों, छत्तीसगढ़ के सिहावा डिस्ट्रिक्ट में फरसिया से निकलती है कौन? महानदी। महानदी अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फंक्शन करती है उसे महानदी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। याद रहे महानदी के ट्रिब्यूटरीज में ब्राह्मणी, शिवनाथ, हसदो, मंड एंड इब, आई और डी इब के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उस सिस्टम को महानदी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। आई अगेन, ब्राह्मणी, शिवनाथ, हसदो, मंड इब के साथ मिलकर जिस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं उस सिस्टम को महानदी ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। साथ साथ में याद रहे इसी नदी पर हीरा कुंड डैम प्रोजेक्ट है, हीरा कुंड डैम प्रोजेक्ट है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एक और इसकी सबसे महत्वपूर्ण खास बात याद रहे, यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करता है। याद रहे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदर वन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, हमेशा आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट याद रहे, नर्मदा और तापी नदियां एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, मतलब ये नदियां डेल्टा न बनाकर डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती हैं। इस कारण से इन नदियों के द्वारा एस्चुरी का फॉर्मेशन किया जाता है। एक और खासियत याद रहे, एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है माही रिवर। याद रहे माही रिवर है जो विश्व का अकेला ऐसा रिवर है जो कैंसर लाइन को दो बार काटता है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। क्लियर? यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो कैंसर लाइन को दो बार काटती है? आंसर इज माही रिवर। क्लियर? दैट्स इट बच्चों, आई होप कि अच्छी तरह से आपको ड्रेनेज सिस्टम में आया। थैंक यू, टेक केयर।